मेरे भैया बाबू नमस्ते। देखिए आज हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन हल कराते हैं, चैप्टर खत्म है। अब आप लोग भी मिलकर के हमारा सहयोग करिए, सबको सूचना दीजिए कि अब नया पाठ शुरू होने वाला है ना। तो आज हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उम्मीद है कल से हम नया पाठ चालू कर देंगे। रसायन विज्ञान में केमिकल काइनेटिक है ना, नहीं केमिकल का नहीं बेटा, पहले हम शुरू करेंगे विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन के बाद अगला चैप्टर देखा जाएगा, पहले चलेगा एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माने विद्युत रसायन है ना। तो आज बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, 2019 में आया, 2020 में आया, हर साल आता है यार। देखिए ये पढ़ाए तुम लोगों को विलयन का अणुसंघ गुणधर्म, विलयन का अणुसंघ गुणधर्म, विलयन का अणुसंघ गुणधर्म, वाष्पदाब में अवनमन, पोतनांक में उन्नयन, हिमांक में कमी, परासरण दाब, ये पढ़ा चुके हैं। जो लड़के नहीं पढ़े चलिए यही समझ लीजिए, ये पी एब्सोल्यूट माइनस पी एस वाष्प दाब में अवनमन का संकेत, और आई जो है वन ऑफ फैक्टर, डेल्टा टी भी क्वेश्चन गुणन, आई वन ऑफ फैक्टर, डेल्टा टी ऑफ हिमांक में अवनमन लिखा है सर यार, और ये है वन ऑफ फैक्टर, पी परासरण दाब, आई है वन ऑफ फैक्टर, पढ़ाए सब, आई है वन हाफ फैक्टर या वन हाफ गुणक हिंदी में। बेटा ध्यान से, यहां पर हमने समानुपाती संबंध बताया है, समानुपाती का मतलब है जब आई का मान बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा यह भी बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। आई का मान वन हाफ फैक्टर है, और जब कोई यौगिक पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है तो आयनों की संख्या का मान वन हाफ फैक्टर के बराबर होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन हमने लिया, ये 2017 में आया था। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें है, तो पहले भी तो बेटा दिया, पहले यूरिया दिया है, तो यूरिया का सूत्र NH2CO NH2। अरे भाई ये यूरिया है ना, तो यूरिया आयन में नहीं टूटेगा, जब यह आयन में नहीं टूटेगा, जब जो यौगिक आयन नहीं टूटता उसके लिए वन हाफ फैक्टर कितना होता बेटा, एक होता है। जब नहीं टूटा तो वही आ जाएगा ना, या फिर ऐसे कर दो भाई यूरिया नहीं टूटा, जब यूरिया नहीं टूटेगा तो यहां हो जाएगा बेटा NH2CO NH2, नो आयनिक वे, वन हाफ फैक्टर, आई बराबर एक, इसका एक कण है ना यार, नहीं टूटा अब क्या करें, हमने टूटा तो कार्बनिक यौगिक है ना। ऑप्शन नंबर बी दिया है 0.1 एम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, यह भी नहीं टूटेगा, कार्बनिक यौगिक है, जब नहीं टूटेगा बेटा C6H12O6, यहां पर भी आई बराबर एक, जो यौगिक नहीं टूटेगा बेटा उसके लिए वन हाफ फैक्टर आई मान एक होता है। ऑप्शन नंबर सी करा 0.1 एम, भाई देखिए सांद्रता सबका समान दिया, मोलरता सबके लिए मोलरता समान है, लेकिन यहाँ दिया बेटा बेरियम क्लोराइड, अरे वाह बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड विद्युत संयोजी यौगिक है, बनेगा यहाँ पर बेरियम आयन डबल पाई टू प्लस दो क्लोराइड आयन है ना, आयन क्लोराइड अच्छा नौ का है जानू भाई, कई बार बताए भी चुके हैं, तो बेरियम क्लोराइड आयन टूट गया। अब यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान समझो कितनी अच्छी बात आ गया, यहाँ पर एक बेरियम आयन है और दो क्लोराइड आयन है, तो वन हाफ फैक्टर कितना हो जाएगा, अरे जोड़ दो भाई कितना हो जाएगा, वन हाफ फैक्टर आई बराबर हो जाएगा 1 + 2 = 3, 3, 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब ऑप्शन नंबर बेटा क्या है तुम्हारा, देखो ऑप्शन नंबर 4 दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट भी तो टूटेगा, मैग्नीशियम पर दो संयोजकता होता है और सल्फेट पर, तो Mg डबल पॉजिटिव और प्लस सल्फेट डबल नेगेटिव, अरे भाई यहाँ पर भी यहाँ एक आयन मैग्नीशियम का एक आयन सल्फेट का, तब वन हाफ फैक्टर निकालो बेटा, आई बराबर 1 + 1 आई बराबर 2, यहाँ पर
नंबर तीन आया था। अब देखो तो वाहदान में हार्मोन सबसे अधिक किसमें है, तो जिसके लिए आय का मान ज्यादा होगा वही वाहदान में हार्मोन हो जाएगा। तो आय का मान देखा जाए बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसलिए इस बेरियम के लिए वाहदान में हार्मोन सबसे अधिक होगा, माने बेरियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी का है सत्य। आइए बेटा सवाल नंबर दो देखते हैं हम क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कौन क्वथनांक में अधिकतम उन्नयन करेगा, वही जिसके लिए वाट ऑफ फैक्टर अधिकतम होगा वही क्वथनांक में अधिकतम उन्नयन करेगा बेटा। वाट ऑफ फैक्टर माने आई, आई निकालते हैं तो पहला दिया बेटा क्या, पहला दिया है बी ए सी एल टू, तो इसे तोड़ बेटा तो बी ए डब्लू पाई टू और प्लस टू सी एल निगेटिव। अरे भाई यहाँ पर डब्लू पाई टू हो जाएगा ना, अच्छा डबल पाई टू क्यों होगा, चूंकि संख्या दो होती है और संख्या एक है वहां पे, मैं यहाँ पर प्रोटीन दो है बेटा। उसके बाद में यहाँ पर अब देखो बेरियम आयन कितना है, एक है, क्लोराइड आयन कितना है दो है, तब वन ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू हो जाएगा एक धन दो बराबर कितना तीन हो जाएगा। दूसरा क्या किया बेटा, दशमलव एक के ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को बेटा तोड़ो, ग्लूकोज क्या सूत्र होता है C6H12O6, क्या ग्लूकोज टूटेगा, नहीं तुमको बता टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ग्लूकोज नहीं तो कार्बनिक यौगिक है तो क्या लेगा C6H12O6। अरे भाई जब नहीं टूटा तो इसका एक ही कण है तो वन ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, तो आई आई इक्वल टू इसके लिए ग्लूकोज भी एक हो जाएगा। अब सुक्रोज, सुक्रोज सूत्र C12H22O11, तुम लोग कोई सूत्र नहीं याद रहता, तुम लोग भी नहीं रट गए यार, सब इस पागल रहे से हैं। C12H22O11 C12, अब देखो ये भी नहीं टूटे कार्बनिक आके आए ना, यहाँ कार्बनिक होगी क्यों नहीं टूटेगा, 22O11 जब नहीं टूटा बेटा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, एक कण है तो उसके लिए भी वन हाफ फैक्टर आई बराबर कितना बेटा एक। अब इधर देखो बेटा ध्यान से, अब क्या है मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट सूत्र दिया है MgSO4, तो हम जानते हैं मैग्नीशियम पर दो संयोजकता होता है और सल्फेट पर दो निगेटिव होता है, तो मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव प्लस सल्फेट डबल निगेटिव है ना उसकी संयोजकता, यहाँ मैग्नीशियम एक आयन है सल्फेट का एक आयन है, वन हाफ फैक्टर कितना हो जाएगा भाई आई इक्वल टू एक धन एक, माने आई पर कितना बेटा दो। सियाली तुम बता बेटा किसका वन हाफ फैक्टर अधिक है, तुम देखते नहीं क्या, तुम बता बेटा हाँ हाँ बेरियम क्लोराइड का वन हाफ फैक्टर क्या है अधिक है, इसलिए ध्यान समझो बेटा कि बेरियम क्लोराइड का बेरियम क्लोराइड के लिए अधिकतम उन्नयन करेगा, अर्थात चूंकि इसका आय मान तीन है, जब ये ज्यादा रहेगा देखिए बेटा क्वथनांक उन्नयन आय जब ये ज्यादा रहेगा ज्यादा हो जाएगा, तो अर्थ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या बेटा सही। आय क्वेश्चन हम करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है नीट का है जो 2017-18 में आया था, तो निम्न से किसके 0.10 mm जली बिलियन का, निम्न से किसके 0.10 mm जली बिलियन का सबसे ज्यादा हिमांक में अवलंबन होगा, हिमांक में अवलंबन यहाँ पहुंच गए हम, एक दो हुआ तीसरा नंबर सवाल दिया है एल्युमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड ग्लूकोज, सांता पहले दिया मतलब वो सांता सबके लिए है यार। अब देखो तो पहले एल्युमिनियम सल्फेट तोड़ो, कक्षा नौ की बात कक्षा नौ डायरेक्ट बार नौ पढ़कर देखिए बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस तोड़ दीजिए बेटा, तोड़ दो Al हो जाएगा और प्लस सल्फेट आयन एल्युमिनियम पर तीन धनात्मक और सल्फेट पर दो ऋणात्मक, बाएं तरफ धनात्मक दाएं तरफ ऋणात्मक, यहाँ एल्युमिनियम कितना है बेटा दो है और सल्फेट कितना है तीन है, अर्थात हमने देखा कि दो कण इसका और तीन कण इसका, दो आयन इसका तीन आयन इसका, वन का फैक्टर आई इज इक्वल टू दो प्लस तीन आई बराबर कितना बेटा पांच। अब देखो K2SO4
एटवेस को फिर तोड़ो बेटा पोटेशियम आयन और प्लस सल्फेट आयन दो निगेटिव, यहाँ दो है दो उधर चला गया, यहाँ एक है तो एक आ गया बेटा यहाँ पर। अब एक पोटेशियम आयन, सॉरी यहाँ पर दो है ना इसलिए दो हो जाएगा, तो और यहाँ सल्फेट आयन एक है तो कितना हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा दो धन एक, दो कण पोटेशियम का एक कण सल्फेट का, कितना हुआ तीन। अब कौन है केसीएल, केसीएल को तोड़ो तो केसीएल इक्वल टू पोटेशियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, इसमें एक एक आयन है तो एक यहाँ आयन पोटेशियम का एक क्लोराइड आयन, वन का फैक्टर I इक्वल टू एक धन एक बराबर दो। लास्ट में दे दिया ग्लूकोज C6H12O6, क्या ग्लूकोज कभी टूटेगा, नहीं टूटेगा भाई, तो C6H12O6 माने ये नहीं टूटा, तो यहाँ एक ही कण है तो यहाँ हो जाएगा वाट फैक्टर I इक्वल टू एक। अब पता लगाओ किसका वाट फैक्टर अधिक है, उसी के लिए जो है सबसे ज्यादा हिमांक में उन्होंने होगा सवाल हमारा सूत्र जो है हिमांक अनुमान डेल्टा टी अपमान समानुपाति आई, तो आई अपमान जिसके लिए आई अपमान जिसके लिए ज्यादा होगा हिमांक अनुमान भी उसी का होगा। आई अपमान यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए 5 है, अक्सर हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट का आंसर क्या बेटा ऑप्शन नंबर ए सत्य है राइट। हाँ बच्चों देखिए एक सवाल हम लिखे हैं, निम्न में किसका पराशर दाब सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए Ke NaCl, Am बेरियम क्लोराइड, Am अमोनियम फॉस्फेट, NaCl है BaCl2 है NH4 का होल थ्राइस, तीन है ये तीन PO4 फॉस्फेट, Am सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो यह जो है तुम लोग हल करके हमको शाम को 5:99-36-51-26 पर कॉल करके उत्तर दीजिएगा, ये होमवर्क है जरूर बताइए बेटा, बात करेंगे शाम इंतजार करेंगे 5 बजे। अब एक क्वेश्चन है बेटा शुद्ध जल की मूलरता गणना करें तो पक्का हर साल आता है यार, तो इसके बिना टिप्पण नहीं बनता, चलो देखते हैं। देखिए शुद्ध जल की जो घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिली होता है बेटा, तो यहां पर देखा जाए जो ग्राम है छोटा डब्लू हो जाएगा 1 ग्राम, और आयतन बेटा प्रति मिली, आयतन बराबर प्रति मिली, प्रति मिली इसका मतलब है 1 ml, और ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं, भाग कर दो 1/1000, उसके बाद हम कर रहे हैं मोलरता क्या होगा, m पूछ रहा है मोलरता, तो m बराबर होता है बेटा W/m गुणते आयतन लीटर में, बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है यार। अब उसके अंदर W मान दिया है कितना दिया बेटा 1 घन के हिसाब से, और पानी का अणुभार m अणुभार है ना 18 गुणते 1/1000 ऊपर जाएगा बड़े बड़े ऊपर 1000/18 भाग कर दो 55.5555555 मात्र कर जानते हैं मोल / लीटर। बेस्ट ऑफ लक।